हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं हूं आपका अंकित मिश्रा और आप सभी का स्वागत करता हूं अमर ज्योति प्राइम के ऑल लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। जितने भी लोग यहां पे सत्र को ज्वाइन कर चुके हैं, एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे जिससे हम लोग क्लास को आगे कंटिन्यू कर सकें। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? जल्दी सभी लोग एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन दीजिए। एम आई प्रॉपरली ऑडिबल एंड विजिबल? हम लोग यहाँ पे एसएससी जे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, जहां पे आज का हमारा टारगेट है कि यूडब्ल्यूई के अगेन हम लोग 25 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, है ना। मेजरमेंट के 25 क्वेश्चन वाले जो सीरीज थे हमने पूरी कंप्लीट कर ली है। नेटवर्क हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है, मेजरमेंट हमने पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास यहाँ पे जो टाइम है, जो हमारा समय है, वो यूडब्ल्यूई सब्जेक्ट के लिए है। तो जल्दी से एक बार ऑडियो और वीडियो का कंफर्मेशन देंगे सभी, तब तक मैं भी सतन को ज्वाइन कर लेता हूं। हाँ, सब कुछ क्लियर है, बताइए। अ वेरी गुड इवनिंग प्रिंस। ये हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम है अमर ज्योति प्राइम EE/EC एग्जाम। ये जो हमारा चैनल है, ये इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच वालों के लिए एक्सक्लूसिव है। यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी की इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी, ठीक है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इससे आपको यहाँ पे जो भी हमारे क्लास नोट के पीडीएफ होते हैं वो मिल जाएंगे, क्लास की लिंक मिल जाएंगी, एग्जाम की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। अगर कोई भी एग्जाम आता है तो आपको यहाँ पे हमारे फ्री टेस्ट देखने को मिल जाएंगे। ये सारे बेनिफिट्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाले हैं। आपको बस करना क्या होगा, आपको बस यहाँ पे हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। उसका नाम क्या है? अमर ज्योति प्राइम EE/EC एग्जाम। ये आपका इंडिया का सबसे अफोर्डेबल प्लेटफॉर्म है इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, कंटेंट और क्वांटिटी एंड अमाउंट, उन सभी के रिस्पेक्ट में ये आपका इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स वालों के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे आपका एक नया बैच चला रहे हैं जो कि आरआरबी जेई का फुल कोर्स बैच है, आप लोग इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। और हमने रिसेंटली, अभी हाल ही में हमने एक बैच स्टार्ट किया है जिसका नाम है आपका सिलेक्शन सीरीज, ठीक है ना। तो हमने ये बैच भी लॉन्च किया है। इसका पर्पज यह है, अ वेरी गुड इवनिंग लकी, अ वेरी गुड इवनिंग रोशनी। हमारा इस सीरीज का जो पर्पज वो ये है कि आपका सिलेक्शन प्रोवाइड कराना, राइट। तो आपके सिलेक्शन के लिए हमने यहाँ पे सिलेक्शन सीरीज निकाला हुआ है जो कि ए एग्जाम के लिए है ना। इसका कोड क्या है? रेड। आप देख सकते हो इसका जो कोड बना हुआ क्या है, वो रेड है, ठीक। तो रेड कलर इसका आपका कोड है। इसका जो टोटल अमाउंट, जो फीस है, वो आपका 3,500 रुपीज है, ओके। उनमें से अगर आप देखो तो 500 रुपए एक्सटेंड डिस्काउंट मिलेगा तो आपको हो जाएगा कॉस्ट 3,000, और उसमें भी आपका 10% का डिस्काउंट लगेगा तो आपका जो प्राइस हो जाएगा अराउंड 2,700 रुपीज हो जाएगा। इतने में आपको जो टाइम वैलिडिटी है वो कितना आपका? 3 ईयर्स का है, मतलब 3 साल को आपको वैलिडिटी मिलेगी ए एग्जाम में। इंडिया के किसी भी कोने में, किसी भी स्टेट का, सेंट्रल या स्टेट का कोई भी ए का एग्जाम होता है, वो सारे ए एग्जाम आपके यहाँ पे कवर अप होंगे। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे यूपीपीसीएल का एग्जाम है, उसमें ए का एग्जाम होता है, तो उसका पूरा का पूरा कोर्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, उसकी टेस्ट सीरीज, उसके डाउट सेशन, वो सारी चीजें हो जाएंगी। मान लो आपका हिमाचल में पीएससी का एग्जाम है, वो भी ए का एग्जाम है, तो उसमें भी आपको पूरा का पूरा कवरेज यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसकी वैलिडिटी भी हमें 3 साल लगी है, क्योंकि आपको हम पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं कि किसी भी स्टेट में ए मतलब जे ए का एग्जाम होगा तो आप उसके लिए एलिजिबल रहेंगे, तैयारी कर सकते हैं, ठीक है। मशीन आज से स्टार्ट होगा बेटा तथागत, आपका बस ये मैसेज आता है कब स्टार्ट होगा ना, आज से स्टार्ट होगा मशीन, ठीक है। आप टेलीग्राम चैनल पे देख लीजिएगा, ओके। ये आपका सेम आपका जेई बैच के लिए है, ठीक है, सिलेक्शन सीरीज इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए। और इसका जो कोड है वो आपका है ब्लू, इसका जो क्लोड है कोड है आपका क्या है? ब्लू। और आपका जो आप देख तो ब्लू कलर पे है ना। इसका जो टोटल फीस है वो 3,000 है, इनमें 500 रुपए का इंस्टेंट डिस्काउंट होने की वजह से इसका प्राइस होता है आपका 2,500, और इसमें आप अगेन 10% का डिस्काउंट लगाएंगे तो आपका प्राइस हो जाएगा अराउंड 2,250, इतना के अप्रॉक्स कुछ आपका प्राइसिंग आ जाता है। और इसकी वैलिडिटी आप कितनी? 3 ईयर्स है। जितने भी हमारे प्रीवियस स्टूडेंट्स हैं है ना, उनको ये कोर्स हमारा, जैसे एई वालों का एई वाला आपको कोर्स मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री फ्री है, और जितने भी जेई वाले बच्चे उनके लिए ये वाला कोर्स आपको फ्री में मिल जाएगा, कॉम्प्लीमेंट्री है, आपको अलग से पे नहीं करना है,
ठीक है, तो चलो हम लोग अपनी सीरीज को स्टार्ट करते हैं। आप सभी लोग आंसर करेंगे, ठीक है। पहला क्वेश्चन आज के सीरीज का हमारा ये रहा, पहला क्वेश्चन आज के सीरीज का हमारे पास ये रहा। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन देखिएगा सभी लोग। अ लैंप हैविंग मीन स्फेरिकल कैंडल पावर, मतलब एक लैंप है जिसका आपका MSCP मीन स्फेरिकल कैंडल पावर कितना दिया आपका, 800। इट सस्पेंडेड एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर, मतलब एक बल्ब है या लैंप है जिसका MSCP 800 है, वो आपका 10 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है, तो आपका इल्यूमिनेशन क्या होगा जस्ट बिलो द लैंप। तो क्वेश्चन का कंडीशन कैसा था बिलो बताओ। क्वेश्चन आपका ऐसा पूछे कि आपके पास एक लैंप है, ये आपके पास लैंप हो गया, ठीक है, दिस इज योर लैंप, और इससे कितनी मीटर की हाइट पे, ये आपके ग्राउंड से कितनी मीटर की हाइट पे रखा हुआ है, दिस इज सस्पेंडेड एट अ हाइट ऑफ 10 मीटर, ये आपका 10 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है, ठीक है। इसका जो आपका MSCP हो कितना है आपका, 800, इसका MSCP है। तो आपको क्या बताना है, लैंप के जस्ट नीचे इस पॉइंट पे आपका इल्यूमिनेशन कितना होगा। तो इल्यूमिनेशन का जो फॉर्मूला हो जाएगा E इक्वल्स टू, वो हो जाएगा कितना, MSCP बाय हाइट का स्क्वायर इनटू कॉस थीटा, क्योंकि यहां पे जो थीटा बन रहा है वो कितना बन रहा है, 90 बन रहा है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास, सॉरी यहां पे ये एंगल 90 बन रहा है, तो ये कितना बन रहा है, यहां पे एंगल 0 बन रहा होगा, अगर आप ये वाला एंगल देखोगे ना, तो कितना बन रहा है, 0 बन रहा है यहां पे, है ना। तो क्या हो जाएगा यहां पे, cos 0 1 हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा कितना, MSCP बाय, इसको आप मान लोगे 1, अगर आपने पढ़ा होगा लैम्बर्ट कोसाइन लॉ, तो उसके हिसाब से इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ये आपका हो जाएगा MSCP बाय h स्क्वायर। MSCP की वैल्यू कितना है, 800 डिवाइडेड बाय 10 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, 800 डिवाइड बाय 10 का स्क्वायर इक्वल्स टू 800 बाय 100 इक्वल्स टू 8 लक्स। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा, दैट विल बी योर डी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। क्या सभी को क्लियर है, क्या किसी को कोई डाउट है तो बताइए, किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, है ना। आई होप सबको क्लियर होगा और किसी को कोई भी डाउट नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे पास फिर से रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ना, एसएससी जेईई में जनरली जो क्वेश्चन होते हैं वो रिपीटेड क्वेश्चन ही होते हैं। तो फिर से एक रिपीटेड क्वेश्चन हमारे पास आया है, द पर्पज ऑफ चोक इन अ फ्लूसेंट ट्यूब इज टू। हमारा जो चोक होता है, हमारा जो चोक होता है कौन से लैंप में, फ्लोरेसेंट ट्यूब, मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबलाइट भी बोलते हैं, फ्लोरेसेंट ट्यूब हम क्या बोलते हैं, ट्यूबलाइट भी बोलते हैं। तो हमारे ट्यूबलाइट में हम जो चोक लगाते हैं उसके पीछे का पर्पज क्या है, तो ऑप्शन क्या है, करंट को इंक्रीज करना, डिक्रीज वोल्टेज मोमेंटरली, मतलब मोमेंटरी मतलब अचानक से, इसको हम क्या बोलते हैं, अचानक से बोलते हैं, है ना, इंक्रीज वोल्टेज मोमेंटरली और डिक्रीज करंट। तो इसका आंसर क्या होगा, मुझे पता है कि आप सभी लोग इतना समझ गए हो कि सर इसका आंसर है तो सी हो गया, तो डी होगा, लेकिन मैंने आपको कल भी बताया था डिक्रीज करंट इज नॉट द करेक्ट आंसर, करंट को डिक्रीज करना इज नॉट अ करेक्ट आंसर, क्योंकि वो करंट को लिमिट करता है ना। तो हमको क्या आंसर देना होगा, जो चोक है वो वोल्टेज को सडन बढ़ा देता है ना, जिससे हमारा वहां पे ट्यूबलाइट हमारा इन आयोनाइजेशन उसका स्टार्ट हो जाता है, राइट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा सी, ठीक है। चलो बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग को क्लियर है तो। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आर्क लैंप ऑपरेट एट, जो हमारा आर्क लैंप होता है ना, ये बहुत ही पुराना लैंप है। आप ये मान लो कि जितने भी हमारे पास लैंप हैं उन सभी में सबसे पहले कौन सा लैंप बनाया गया था, तो वो आर्क लैंप ही बनाया गया था। तो आर्क लैंप जो होते हैं वो कौन से पावर फैक्टर पे काम करते हैं, ये क्वेश्चन है। क्या वो लो लैगिंग पावर फैक्टर पे काम करते हैं, क्या वो हाई लीडिंग पावर फैक्टर पे काम करते हैं, क्या वो यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करते हैं, क्या वो जीरो पावर फैक्टर पे काम करते हैं। इनमें से दो आंसर तो आप डायरेक्टली बोल सकते हो कि वो आपके आंसर नहीं होंगे। तो आप बोलो सर जीरो पावर फैक्टर विल नॉट बी माय आंसर, यूनिटी पावर फैक्टर भी मेरा आंसर नहीं होगा। यूनिटी पावर फैक्टर पे सिर्फ एक ही लैंप है जो काम करता है, उसको मैं बताऊं आपका इनकैंडेसेंट लैंप, ठीक है। तो अब यहां पे दो आंसर बचे, ए और बी। तो ये तो आपको पता है कि इससे लीडिंग तो किसी भी एंगल पे आपका आंसर नहीं होगा, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा लो लैगिंग पावर फैक्टर। लो लैगिंग पावर फैक्टर मैंने आंसर क्यों टिक किया है, क्योंकि आर्क लैंप में जो आपके कार्बन रॉड के बीच में जो आर्क प्रोड्यूस होती है,
उस आर्क को मेंटेन कैसे होती है, बाय फ्लो ऑफ कार्बन पार्टिकल। लेकिन उस आर्क को स्टेबल बनाए रखने के लिए हमको एक इंडक्टर लगाना पड़ता है ना। हम उस आर्क को स्टेबल बनाए रखने के लिए हमको एक वहां पे इंडक्टर लगाना होता है, जिस इंडक्टर लगाने की वजह से हमारा पावर फैक्टर हो जाता है यहाँ पे लैगिंग। हमारा जो पावर फैक्टर हो जाएगा दैट विल बी लो लैगिंग पावर फैक्टर। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिक पावर फॉर इल्यूमिनेशन इन लोकोमोटिव इज प्रोवाइडेड बाय। एक बात ये समझना कि कुछ क्वेश्चन एसएससी जेई में ऐसे हैं कि बहुत पुराने क्वेश्चन, ये 2007 का क्वेश्चन है, मतलब आज से ही डेट से ऑलमोस्ट 15 साल पुराने का क्वेश्चन है ये। 15 साल पुराना ये क्वेश्चन है, ठीक है ना, 2007 का क्वेश्चन है। तो अब इनमें थोड़ा सा आपको उस पैटर्न पे सोचना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को आप आज के जमाने के हिसाब से आंसर नहीं दे सकते। आपको ये देखना हो कि 2007 में क्वेश्चन हो तो उसका आंसर क्या रहा होगा, उस बेस पे आपको देखना है। और ये बात मैं आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन अब रिपीट होगा एग्जाम में, और जब रिपीट होगा तो इसका कौन सा आंसर माना जाएगा जो 2007 में सही आंसर माना गया था, ठीक है ना। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पे चीजों को समझना होगा। तो क्वेश्चन क्या है कि जो हमारा लोकोमोटिव होता है, मतलब कि जो हमारे ट्रेन होते हैं, जो हमारे लोकोमोटिव जो हमारे ट्रेन हो गए उनमें जो हम लोग बल्ब वगैरह जलाते हैं, है ना, जो लोकोमोटिव पे हम लोग जो बल्ब वगैरह जलाएंगे, मतलब जो हम इल्यूमिनेशन करते हैं, है ना, तो उसके लिए जो पावर मिलती है, उसके लिए जो हमको क्या मिलती है, पावर मिलती है, वो पावर कहां से मिलती है। क्वेश्चन क्या है, लोकोमोटिव में इल्यूमिनेशन के लिए इलेक्ट्रिक पावर हमको कहां से मिलती है, तो क्वेश्चन ये है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला ऑप्शन देख लो, ऑप्शन देख लेते हैं। पहला दिया है मेन स्टीम इंजन, स्मॉल टर्बो जनरेटर, बैटरी, सोलर सेल। तो ये तो आप पता है कि सर हमारे पास सोलर सेल तो लगे नहीं होते, बैटरी बोल सकते हैं। लेकिन एक मैं आपको इंसिडेंस बताना चाहूंगा मेरे साथ जो हुआ था, ये ऑलमोस्ट 2019 या 20 की बात है। मैं एक पैसेंजर ट्रेन में चढ़ा था, है ना, पैसेंजर ट्रेन देखते हो, इसमें लेटने वाली जगह नहीं होती, बैठने वाली जगह होती है, उस पर बैठा था। तो मैंने देखा जब ट्रेन चलती है तो उस बोगी में, जिस बोगी में बैठा हूं, उसकी लाइट जलती है, लेकिन जैसे ही ट्रेन स्टेशन पे आती है उसकी लाइट बंद हो जाती है। इससे आप समझ गए होंगे क्या होता है कि उस लोकोमोटिव में, उस बोगी में क्या होता है, जनरेटर लगा होता है, स्मॉल टर्बो जनरेटर लगा होता है उस बोगी में। जब गाड़ी चलती है तो उसके रोटेशन से वो बैटरी को चार्ज करेगा, मतलब जनरेटर क्या जनरेट करेगा और आपको वहां पे सप्लाई प्रोवाइड करेगा, तो लाइट जलती है ना। और क्या होता है कि जैसे आपकी लाइट, मतलब आपका इंजन बंद हुआ, मतलब कि गाड़ी रुक गई, प्लेटफॉर्म में आ गई, प्लेटफॉर्म में आ गई, मतलब इंजन स्पीड आपकी 0 है, उस टाइम पे आपका वो जनरेटर काम करना बंद कर देता है। जब काम करना बंद करे तो आपकी लाइट वहां पे गोल हो गई। लेकिन आजकल क्या होता है कि बैटरी होती है वहां पे, जो टर्बो जनरेटर या तो बैटरी को चार्ज करता है, फिर उस बैटरी से क्या होता है आपका पावर सप्लाई आता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो आपका क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। इसका आंसर बैटरी मत करिएगा, है ना, इसका आंसर आप बैटरी मत करिएगा। बैटरी होती है लेकिन बैटरी को चार्ज किया जाता है, किसके थ्रू चार्ज किया जाता है, स्मॉल टर्बो जनरेटर के थ्रू चार्ज किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका स्मॉल टर्बो जनरेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, द यूनिट ऑफ प्लेन एंगल इज, इसका आंसर तो आप सभी लोग करेक्ट बताइएगा। हमारा जो प्लेन एंगल होता है ना, आपको पता होगा कि हमारे पास प्लेन एंगल का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। जैसे मान लो मेरे पास कोई यहाँ पे एक सोर्स है, दिस इज माय सोर्स, इस सोर्स से लाइट निकलती है, हाँ या ना, लाइट निकलेगी। तो जब यहाँ पे एक एंगल बनाती है, जब लाइट निकलेगी तो यहाँ पे एक एंगल बना के लाइट जाती है ना, तो ये एक एंगल बनाती है यहाँ पे थीटा, और इसी थीटा को मैं बोलता हूँ आपका क्या, इसी थीटा को बोलता हूं आपका प्लेन एंगल। तो प्लेन एंगल एक 2D एंगल है, क्या होता है, 2D एंगल होता है ना, 2D एंगल है। इसकी यूनिट होती है आपकी क्या, रेडियन। इसकी यूनिट होती है आपकी रेडियन, और इसकी वैल्यू क्या होगी, तो ये आप रखना आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है, किसका फॉर्मूला होता है, ये प्लेन एंगल का। और मैक्सिमम जो प्लेन एंगल होता है, थीटा मैक्स जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 पाई होती है। तो याद रखना इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो कितनी होती है, 2 पाई होती है। प्लेन एंगल की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी दैट इज 2 पाई। करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा आपका ए। आगे बढ़ते हैं फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो हमारा इनकैंडेसेंट लैंप होता है, मतलब जिसको हम फिलामेंट लैंप बोलते हैं, हमारे जो इनकैंडेसेंट लैंप होते हैं उनमें क्या फिल किया जाता है। तो
तो इनकैंडेसेंट लैंप, इसको हम फिलामेंट लैंप भी बोलते हैं, तो उसमें हम कौन सी गैस फिल करते हैं? ऑर्गन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड या सल्फर डाइऑक्साइड। तो मैंने बोला था कि आप ये चाहते हैं कि जो फिलामेंट लैंप है उसके अंदर, मतलब जो ग्लास ग्लोब है उसके अंदर कोई भी रिएक्शन ना हो, मतलब कोई भी रिएक्शन ना हो, उसके लिए आपको एक ऐसी गैस रखनी होगी जिसका कोई रिएक्शन ना हो, जिसको हम बोलते हैं इनर्ट गैस, आदर्श गैस, नोबल गैस, है ना। नोबल गैस ऐसी है जो किसी आपस में रिएक्ट नहीं करती है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका आर्गन गैस। तो हम लोग यहाँ पे आर्गन गैस फिल करते हैं जो कि हमारा वहां पे फिलामेंट के ऑक्सीडेशन को रोकता है, ठीक है ना। तो ये हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई प्रेशर मरकरी डिस्चार्ज लैंप। हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे, कौन से लैंप की बात कर रहे हैं? हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मरकरी डिस्चार्ज लैंप की। वेरी गुड प्रिंस, वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड लकी, आप सभी का करेक्ट आंसर है। हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मरकरी डिस्चार्ज लैंप की। वो भी मरकरी डिस्चार्ज लैंप दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं लो प्रेशर, एक होता है हाई प्रेशर। तो हम कौन सी बात कर रहे हैं यहाँ पे? हाई प्रेशर मरकरी डिस्चार्ज लैंप में उनका यूज किन में नहीं किया जाता है? पार्क में, इन द स्ट्रीट लाइट ऑफ प्ले ग्राउंड, स्टेज लाइटनिंग, ड्रॉइंग रूम। ड्रॉइंग रूम मतलब आपके घर पर जो बैठक वाली व्यवस्था होती है ना, उसको हम ड्रॉइंग रूम बोलते हैं। तो इन चारों में से आपका कहां पे मरकरी डिस्चार्ज लैंप का यूज नहीं किया जाएगा? तो आंसर क्या होगा आपका इसका, वो होगा ड्रॉइंग रूम। क्योंकि जो मरकरी डिस्चार्ज लैंप होते हैं ना, वो बहुत हाई वोल्टेज के होते हैं, जिससे हमको बहुत ज्यादा ल्यूमन देखने को मिलता है, लेकिन हमको घर पे उतना ज्यादा इल्यूमिनेशन नहीं चाहिए। हमको जो इल्यूमिनेशन चाहिए ना ड्रॉइंग रूम पे, दैट इज अराउंड 300 to 400, ठीक है ना। उतना ज्यादा इल्यूमिनेशन को नहीं चाहिए, ओनली 300 to 400 लक्स चाहिए, जो कि हमको आपका किससे मिल जाता है, एलईडी लैंप से मिल जाता है, या हमारे इनकैंडेसेंट लैंप से मिल जाता है, या फिर फिलामेंट लैंप से मिल जाता है। तो हम इसका आंसर करेंगे ड्रॉइंग रूम। ड्रॉइंग रूम में हम मरकरी डिस्चार्ज लैंप का यूज नहीं करते हैं, ठीक है ना। तो याद रखना, कुछ लोग सोचेंगे सर ये स्ट्रीट लाइट तो हम सोडियम वेपर लैंप यूज करते हैं, तो इसका आंसर ये होगा। तो पूरा ऑप्शन पढ़ना, इन द स्ट्रीट लाइट ऑफ प्ले ग्राउंड, ठीक है ना। तो प्ले ग्राउंड के जो स्ट्रीट लाइट होते हैं ना, उसमें हम लोग मरकरी डिस्चार्ज लैंप का यूज कर सकते हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी। पावर फैक्टर इज हाईएस्ट इन केस ऑफ, जो आपका लैंप होते हैं उनमें आपका जो पावर फैक्टर होगा वो हाईएस्ट किस केस में होगा? क्वेश्चन का आंसर के बताइए सभी लोग। पावर फैक्टर हाईएस्ट किस लैंप में होगा? मरकरी आर्क लैंप, सोडियम वेपर लैंप, ट्यूब लाइट, या फिर जीएलएस लैंप? तो इसका आंसर समझना, देखो जीएलएस लैंप को थोड़ा समझना। जीएलएस लैंप हमारा क्या होता है, एक तरह से जनरल लाइटनिंग स्कीम लैंप होता है। क्या होता है हमारा ये जनरल लाइटनिंग स्कीम, दिस इज योर जनरल लाइटनिंग स्कीम, जनरल लाइटनिंग स्कीम लैंप। और ये जो लैंप बनाए जाते हैं वो जनरली बनाए जाते हैं आपके फिलामेंट लैंप। कौन से लैंप बनाए जाते हैं आपके? ये आपके बनाए जाते हैं फिलामेंट लैंप, ठीक है ना। ये आपके बनाए जाते हैं कौन से? फिलामेंट लैंप। और जब ये फिलामेंट लैंप बनाए जाएंगे, ठीक है ना, तो आप समझ गए होंगे कि फिलामेंट लैंप का दूसरा नाम क्या होता है, इनकैंडेसेंट लैंप। और इनकैंडेसेंट लैंप आपके यूनिटी पावर फैक्टर पे काम करते हैं, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा जीएलएस लैंप, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जीएलएस लैंप। सबसे ज्यादा पावर फैक्टर इन चारों में किसका होता है? आपका इनकैंडेसेंट लैंप का होता है। लिख लेना आप लोग यहाँ पे इनकैंडेसेंट लैंप। अच्छा एक बात और, कि हम फिलामेंट लैंप को इनकैंडेसेंट लैंप क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आपके इनकैंडेसेंट प्रिंसिपल पे काम करते हैं, इस वजह से फिलामेंट लैंप को इनकैंडेसेंट लैंप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लेयर इज कॉज्ड ड्यू टू, ये भी आपके एसएससी जेई 2012 का क्वेश्चन है। ग्लेयर का मतलब क्या होता है? कि आपकी आंखों में अचानक से एक ब्राइट लाइट आ जाए, जिसकी वजह से आपको आपकी आंखों में कुछ डिसकंफर्ट होता है, अनकंफर्ट होता है, उसी को हम बोलते हैं आपका ग्लेयर। तो ग्लेयर के पीछे का रीजन क्या है? ऑप्शन ए बोला गया है, नन ऑफ सी एंड डी, बोथ ऑफ सी एंड डी। सी ऑप्शन क्या देखते हैं? एक्सेसिव लाइटनिंग कॉन्ट्रास्ट इन द फील्ड ऑफ विजन, एक्सेसिव ल्यूमिनेंस। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बोथ। हमारा आंखों में अचानक से लाइट का, बहुत ब्राइट लाइट का पड़ना ही हमारा किसका रीजन है? ग्लेयर का रीजन है। इसके पीछे का एक फिनोमिना आपने देखा होगा, जब कभी आप गाड़ी चलाते हैं, है ना, जब आप कभी हाईवे पे होते हैं, टू व्हीलर से जा रहे हैं, आपको लगता है कि यार सामने से दो बाइक वाले आ रहे हैं, है ना। आप दूर से देखते हैं, रात का टाइम है, आप देखते हो सामने से दो बाइक वाले आ रहे हैं,
तो सोचते कि एक काम करता हूँ, बाइक इधर से आ रही है, किधर से आता हूँ, बीच से निकल जाता हूँ। मतलब देखना कैसे होता है, बताता हूँ। देखो ये आपका रोड है, हाईवे है, रात का टाइम, ठीक है। तो आप यहाँ से जा रहे हैं, मस्त मस्त मगन होके आप यहाँ से जा रहे हैं, और आप ये देखते हैं कि सामने से एक कोई यहाँ से आ रहा है, एक कोई यहाँ से आ रहा है। तो आप सोचते कि एक काम करता हूँ, ये इधर से निकल रहा है, ये इधर से निकल रहा है, मैं फट से निकल जाता हूँ बीच से। लेकिन जब पास में जाते हो तो पता चलता है, अरे भाई ये तो दो बाइक वाले थे, तो ट्रक वाला था भाई, और आप चप जाते हो इसके नीचे। फिर वहां से बोलते, अरे तरंग सर पहले पढ़ा दिए होते हैं। तो बस वही चीज यहाँ पे हो गई। ये जो कॉन्सेप्ट इसको फील हुआ है ना, इसको जो आंखों में फील हुआ, उसी को हम बोलते हैं ग्लेयर, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन अ फ्लोरोसेंट ट्यूब सर्किट, मतलब जो फ्लोरोसेंट ट्यूब मतलब कि आपका ट्यूबलाइट की बात कर रहा है, हाई वोल्टेज सर्ज, हमारे ट्यूबलाइट में हमको हाई वोल्टेज सर्ज प्रोवाइड करना होता है। क्यों प्रोवाइड करना होता है? हमको हाई वोल्टेज सर्ज प्रोवाइड करना होता है आयोनाइजेशन के लिए, ठीक है ना। तो हमारे ट्यूबलाइट में हम हाई वोल्टेज सर्ज किसके थ्रू प्रोवाइड कराएंगे, कौन प्रोड्यूस करता है? तो ऑप्शन ए है हीटर, इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड तो प्रोवाइड नहीं करता, सप्लाई करता है ना। तो आपको बताना है कि जो हाई वोल्टेज जनरेट किसने किया, तो हाई वोल्टेज जनरेट करता है आपका चोक, एक जिसको हम बोलते हैं इग्निशन वोल्टेज। बहुत बार बोला जाता है यार कि जो हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब में या ट्यूबलाइट में जो हाई वोल्टेज हमको प्रोवाइड करना होता है, वो हमको चोक प्रोवाइड करता है। मतलब चोक एक तरीके से आपका इग्निशन की तरह काम करता है ना। आपकी गाड़ी में चोक होता है ना, कभी कभी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती है तो क्या करना है, चोक उठाना पड़ता है। जैसे चोक उठा दिया तो पेट्रोल का थोड़ा सा रेट बढ़ जाएगा, तो आपकी गाड़ी जल्दी स्टार्ट हो जाती, फिर चोक आपको वहां बंद भी करना पड़ता है। तो सेम वही चीज यहाँ पे भी हो गई कि अगर आपको ट्यूबलाइट में हाई वोल्टेज सर्ज प्रोवाइड कराना है, तो आप किसका यूज करते हो, चोक का यूज करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग सरफेस हैज द लोवेस्ट रिफ्लेक्शन फैक्टर फॉर व्हाइट लाइट। तो एक बात मैं आपको बता दूं, आप लोग सुनते हो सर व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट व्हाइट लाइट होती है, तो व्हाइट लाइट होती क्या एक्चुअली में, व्हाइट लाइट आपकी सातों कलर का कॉम्बिनेशन है। कौन से सात कलर का, कौन से सेवन कलर आपकी, विबग्योर। आपने नाम सुना होगा ना, विबग्योर, वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। रेड की जो वेवलेंथ सबसे हाईएस्ट होती है, और जो वॉयलेट उसकी वेवलेंथ सबसे कम होती है। इसकी जो वेवलेंथ है अराउंड 4000 के आसपास होती है, 35 से लेके 400 के 4000 के आसपास होती है। और इसकी जो रेड की वेवलेंथ है, कहीं ना कहीं वो आपकी 7500 से 8000 के बीच में, है ना। रेड के बाद कौन सी वेव आती है, उसको हम बोलते हैं आपका इंफ्रारेड। कोई पूछे कि रेड के बाद कौन सी वेव आती है, क्या बोलोगे, इंफ्रारेड, जो कि ये आपका विजुअल स्पेक्ट्रम में नहीं आता है। वैसे ही वॉयलेट के पहले कौन सी वेव आती है, तो वॉयलेट के पहले जो वेव आती है उसको बोलते हैं अल्ट्रा वॉयलेट, यूवी वेव। हमारा जो वॉयलेट है वो कितने स्टार्ट होगा, 3500 से 4000 होगा। रेड हमारा 75 से 8000 के बीच में जाएगा। रेड के बाद क्या आता है, इंफ्रारेड। वॉयलेट के पहले क्या आता है, आपका अल्ट्रा वॉयलेट। तो अब बात यहां पर यह है कि सबसे कम लोवेस्ट फैक्टर किसका होगा, तो ये हमारे व्हाइट कलर से, ये जो ये रेंज है ना, ये हमारा क्या है, व्हाइट रेंज है। तो व्हाइट रेंज में सबसे कम रिफ्लेक्शन फैक्टर किसका होगा, तो याद रखना रिफ्लेक्शन फैक्टर आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, वेवलेंथ के। तो सबसे कम वेवलेंथ किसका होता है, वॉयलेट। तो सबसे कम जो रिफ्लेक्शन होगा वो होता है वॉयलेट का। उसके बाद किसका कम होगा, इंडिगो का। उसके बाद किसका होगा, आपका ब्लू का। उसके बाद होगा ग्रीन का, फिर येलो का, फिर ऑरेंज का, फिर रेड का। तो यहां से बात की जाए तो सबसे कम किसका होगा, वॉलेट का ऑप्शन है क्या कहीं पे, तो वॉलेट तो नहीं है। इंडिगो है क्या कहीं पे, तो इंडिगो नहीं है। ब्लू है क्या कहीं पे, तो ब्लू ऑप्शन में आ गया। तो सबसे कम जो रिफ्लेक्शन फैक्टर होता है आपका, वो होता है आपका ब्लू कर्टन के लिए, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। आगे बढ़ते हैं यार फिर से एक नए प्रॉब्लम की तरफ। क्वेश्चन बोला गया है कि जो हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब होता है, मतलब जो हमारी ट्यूबलाइट होती है, ठीक है ना, हमारे ट्यूबलाइट में उसकी जो अंदर की सरफेस होगी, ट्यूबलाइट में हमारे जो अंदर की सरफेस होती है, इनर सरफेस होती है ना, ट्यूबलाइट में जो हमारी इनर की सरफेस होती है, अंदर साइड की सरफेस होती है ट्यूबलाइट के अंदर, उसको हम कोटिंग करते हैं, बिल्कुल कोटिंग करते हैं। तो क्वेश्चन ये पूछा गया है कि हम उसको फ्लोरोसेंट मटेरियल से कोटिंग करते हैं, जो कि क्या करता है वो, फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या करता है, वो फ्लोरोसेंट मटेरियल क्या करता है। ऑप्शन ए, एब्जॉर्ब अल्ट्रा वायलेट रेज एंड रेडिएट्स इनटू विजिबल स्ट्रेंथ रेज, रिड्यूस ग्लेयर, इंप्रूव लाइफ,
एब्जॉर्ब इंफ्रारेड रेज एंड रेडिएट विजिबल रेज, तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? तो याद रखिएगा कि हमारा जो आपका फ्लोरोसेंट ट्यूब है ना, जो ट्यूबलाइट है, उसके अंदर होता है मरकरी, ठीक है ना। जब मरकरी को आप वहां पे क्या करते हो, आयोनाइज करवाते हो, तो वहां से अल्ट्रा वॉयलेट रेज निकलती है। क्या निकलती है? अल्ट्रा वॉयलेट रेज। लेकिन जो अल्ट्रा वॉयलेट रेज है वो विजिबल रेंज में आती है। अभी 2 मिनट पहले बताया मैंने कि अल्ट्रा वॉयलेट रेज इज नॉट अ विजिबल रे, आप उसको देख नहीं सकते हो। तो आपको उसको विजिबल रेज में कन्वर्ट करने के लिए एक वहां पे मटेरियल लगाना पड़ता है, इसका नाम है क्या? फ्लोरोसेंट मटेरियल। तो आप वहां पे फ्लोरोसेंट मटेरियल जो कि फॉस्फोर होता है, उसकी एक कोटिंग करते हो, किसमें? आपके ट्यूबलाइट में। आप देखते हो जो व्हाइट व्हाइट पार्ट होता है वो आपका ग्रेफाइट का पार्ट होता है, वो क्या करता है आपका लाइट को कन्वर्ट कर देगा विजिबल फॉर्म में, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। यही चीज हम लोग कहां पे करते हैं? यही चीज हम लोग जो सीआरटी की स्क्रीन होती है ना, मेजरमेंट में हमने पढ़ा है सीआरटी की स्क्रीन, तो सीआरटी की स्क्रीन में भी बैक साइड पे हम लोग यही काम करते हैं, ठीक है। चलो, अच्छा कुछ लोग पूछेंगे फ्लूसेंट नाम क्या है। तो ये जो हमारा फ्लूसेंट ट्यूब है ना, मतलब ट्यूबलाइट को हम लोग फ्लूसेंट लैंप बोलते हैं। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो आपके फ्लूसेंट प्रिंसिपल पे काम करता है। फ्लूसेंट प्रिंसिपल क्या होता है? फ्लोरोसेंट प्रिंसिपल होता है कि किसी भी इनविजिबल रे को विजिबल रेज में कन्वर्ट करना, यही हमारा होता है कि आप फ्लोरोसेंट प्रिंसिपल, ठीक है ना। इस वजह से हम ट्यूबलाइट को फ्लोरोसेंट लैंप बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपके सामने यहाँ पे दो स्टेटमेंट दिए गए हैं, ए और आर। आपको दोनों को, स्टेटमेंट ए और आर है, उन दोनों को पढ़ के बताना है क्या आंसर होगा। ऑप्शन ए है, स्टेटमेंट ए आपसे बोला जा रहा है। स्टेटमेंट ए क्या बोला जा रहा है देखना आप सभी लोग। स्विचिंग ऑफ अ लैम्प इन हाउस प्रोड्यूसेस नॉइज इन द रेडियो। मतलब आपने देखा होगा ना कि हमारे घर पे अगर रेडियो चल रहा है, बटन को चालू करो तो हल्का उसमें खर खर की आवाज आती है उस टाइम के लिए, ठीक है। यह देखा होगा, या फिर कभी कभी आपने ऐसा भी देखा होगा कि आप रेडियो चला रहे हो, अचानक से बिजली कड़कती है, उस टाइम पे खर खर की आवाज आती है, ठीक है। तो उसी के एग्जाम्पल है। इसका जो स्टेटमेंट दिया है आर, यह आपका एसर्शन हो गया, यह आपका रीजन दे रहा है। स्विचिंग ऑपरेशन, मतलब हम जब स्विचिंग ऑन ऑफ करते हैं, उस टाइम पे एक आर्क प्रोड्यूस होती है सेपरेटिंग कॉन्टेक्ट, जो आपके कॉन्टेक्ट होते हैं, जो सेपरेटिंग कॉन्टेक्ट कॉन्टेक्ट होते हैं, उनके बीच में एक आर्क प्रोड्यूस होती है। तो अब हमको इन दोनों स्टेटमेंट के बारे में बताना है। बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज अ करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ ए। मतलब कि ए भी सही है और आर भी सही है, और जो आर स्टेटमेंट दिया गया है यहाँ पे वो ए स्टेटमेंट का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी। देखो ये जो एसएससी जेई है ना, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट मारता है ना। मैंने आपको पहले ही बताया एसएससी जेई क्या करते हैं लोग, कॉपी पेस्ट मारते हैं क्वेश्चन को। तो ये क्वेश्चन कॉपी किया गया आईएएस के एग्जाम से, एसएससी रीजन वाले क्वेश्चन वहीं पे बनते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो कि हमारा स्टेटमेंट ए भी सही है, स्टेटमेंट आर भी सही है, और जो स्टेटमेंट आर है ना वो स्टेटमेंट ए का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। एंड आर बोथ आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ स्टेटमेंट ए। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ 200 वोल्ट लैम्प, मतलब आपके पास एक लैम्प है जिसका कितना वोल्टेज है? 200 वोल्ट है। उसमें करंट है आपकी 1 एम्पियर। वो कितने फ्लक्स एमिट करता है? वो आपका 2860 ल्यूमेंस प्रोड्यूस करता है। तो उस लैम्प की आपकी इफिशियंसी क्या होगी? मतलब लैंप की इफिशियंसी पूछी गई है, और जब कभी लैंप की इफिशियंसी पूछी जाए तो आपको पता है क्या होता है? ल्यूमेंस पर वॉट, ल्यूमेन पर वॉट आपका आंसर होगा। तो ल्यूमेन कितने है यहाँ पे आपके सामने, जो ल्यूमेन कितना है? 2860। और कितने वॉटेज है? वॉटेज क्या होता है? पी इंटू, मतलब वी इंटू आई। तो यहां पर हो जाएगा कितना? 200 × 1। पावर फैक्टर नहीं दिया तो आप एज्यूम कर लेना कि आपका जो लैंप होगा, कौन सा लैंप होगा आपका, वो लैंप आपका होगा कौन सा? फिलामेंट लैंप। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना हो जाएगा सॉल्व करने पे? 14.3 ल्यूमेन पर वॉट। वेरी गुड रोशनी, वेरी गुड प्रिंस, आप दोनों का करेक्ट आंसर है, ठीक है। कितना आंसर हो जाएगा आपका? 14.3 ल्यूमेंस पर वॉट, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ये है कि जब हमारा ट्यूबलाइट होता है, मतलब जो हमारा फ्लूरोसेंट ट्यूब होता है, तो ऐसा क्वेश्चन बनता है कि क्या ये डीसी में काम करता है कि नहीं करता है? तो डीसी में तो काम करता है, लेकिन जब डीसी में इसको ऑपरेट करते हैं तो कुछ दिक्कतें हमको देखने को मिलती है।
ना। तो पहली बात ये पूछा कि इन डीसी ऑपरेशन ऑफ फ्लोरेसेंट ट्यूब, मतलब कि जब हम ट्यूब लाइट को डीसी ऑपरेशन पे काम करवाते हैं तो उसकी लाइफ में क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उसकी लाइफ वैसी की वैसी रहती है या उसकी लाइफ में कुछ इफेक्ट पड़ता है ट्यूब की लाइफ में। तो ये बात ध्यान देना कि जब हम ट्यूब लाइट को डीसी में ऑपरेट करेंगे तो उसकी लाइफ जो है तो अपनी टोटल लाइफ का 80% हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। क्या हो जाएगा उसका? डिक्रीज बाय अमाउंट अबाउट 80% एज दैट ऑफ एसी ऑपरेशन। और दूसरी बात, अगर आप ये चाहते हो कि जो ट्यूब लाइट है वो आपका बराबर लाइट दे हर एक डायरेक्शन में, है ना, ऐसा ना हो कि एनोड साइड ज्यादा लाइट दे कैथोड साइड कम लाइट दे, उसके लिए आप क्या चाहोगे? आप ये चाहोगे कि उसके लिए हम रिवर्सिबल स्विच का यूज करें। तो ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, है ना। डीसी ऑपरेशन में जो फ्लोरोसेंट ट्यूब का हम क्या करते हैं, जो लाइफ होती है वो आपकी एसी ऑपरेशन में जो लाइफ होगी उसका 80% लाइफ हो जाती है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी। यूनिट ऑफ ल्यूमिनेंस क्या होता है? तो ल्यूमिनेंस की यूनिट क्या होगी आपकी? ल्यूमिनेंस क्या होता है आपका? इंटेंसिटी पर यूनिट एरिया। तो इंटेंसिटी की यूनिट आपकी कैंडला, तो कैंडला पर यूनिट एरिया मतलब कैंडला पर मीटर स्क्वायर, तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। डिटरमाइन द पावर फैक्टर ऑफ 230 वोल्ट 0.5 एम्पियर 40 वॉट फ्लोरोसेंट लैंप। तो इसका आंसर बताना है आपको, पावर फैक्टर कितना होगा। तो आपको पता है फॉर्मूला क्या होता है, पी इक्वल्स टू वी आई कॉस फाई, होता है कि नहीं होता फॉर्मूला? बिल्कुल होता है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि वोल्टेज कितना दिया है, तो 230, करंट कितना दिया था 0.5, और वोल्टेज कितना दिया आपको 40, तो पावर फैक्टर कितना होगा इतना निकाल पाओगे? पावर फैक्टर निकाल लेना तो कितना आंसर आ जाएगा आपका सॉल्व करने पे इसको, 230 हो जाएगा 115, 115 40 बटे 115 मतलब 0.34। तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पे 0.348, करेक्ट आंसर विल बी ए। अब फ्लोरोसेंट ट्यूब कैन बी ऑपरेटेड ऑन, जो हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब है वो किस पे ऑपरेट हो सकता है? तो वो आपको दोनों में ऑपरेट हो सकता है, डीसी और एसी में। थोड़ी देर पहले ही मैंने कराया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी इज वन विच, देखो एक ब्लैक बॉडी किसको बोलते हैं जो कि सारी के सारी इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, है ना। कोई पूछे कि एक परफेक्ट ब्लैक बॉडी हम किसको बोलेंगे, अब परफेक्ट ब्लैक बॉडी किसको बोलेंगे जो कि पूरी इंसिडेंट रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर ले, जो कि पूरी पूरी इंसिडेंट रेडिएशन को क्या कर ले, एब्जॉर्ब कर ले, उसको हम बोलते हैं आपका ब्लैक बॉडी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। हम किसको परफेक्ट व्हाइट बॉडी बोलेंगे जो कि पूरी इंसिडेंट रेडिएशन को रिफ्लेक्ट कर दे, उसको हम बोलते हैं आपका क्या, परफेक्ट व्हाइट बॉडी। परफेक्ट व्हाइट बॉडी, परफेक्ट ब्लैक बॉडी। आपको पता होगा जब काले कपड़े पहनते हो आपको ज्यादा गर्मी लगती है, व्हाइट कपड़े पहनते हो तो आपको ठंडक लगती है, ऐसा क्यों होता है? ब्लैक जो बॉडी होती है ना पूरी की पूरी इंसिडेंट रे को एब्जॉर्ब कर लेती है, उसके से आपको गर्मी ज्यादा लगती है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ये। अभी गर्मी का टाइम आने वाला है तो आप लोग कहीं बाहर जाना तो ब्लैक टी शर्ट पहन के मत जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं अपन। एक लैंप है जो कि 500 वॉट का है, कितने वॉट का लैंप है आपका? 500 वॉट का लैंप है। उसका आपका एमएससीपी दिया कितना? 1000, और वो 2.7 मीटर की हाइट पे रखा हुआ है फ्रॉम द वर्किंग प्लेन। कैलकुलेट इल्यूमिनेशन डायरेक्टली बिलो द लैंप एट द वर्किंग प्लेन। तो बहुत ही सिंपल आंसर हो जाएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया कि आपका जो इल्यूमिनेशन हो जाएगा ई इक्वल्स टू हो जाएगा कितना, एमएससीपी डिवाइड बाय हाइट का स्क्वायर। एमएससीपी कितना आपका है? 1000 डिवाइड बाय 2.7 का स्क्वायर। सॉल्व कर लो कितना हो जाएगा, 2.7 का स्क्वायर करोगे तो, या आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा ना, आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। मैं इसको आगे सॉल्व नहीं कर पाऊंगा क्योंकि पॉइंट वाला फॉर्म है, यहाँ पे सारे वैल्यूज आपस में पास पास में ही है, तो आप लोग चेक कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपका डैश डैश लैंप आर यूज टू लाइट अप स्पोर्ट्स स्टेडियम। अगर आपको स्पोर्ट्स स्टेडियम को लाइटनिंग करनी है, किसको? स्पोर्ट्स स्टेडियम को। अगर आपको स्पोर्ट्स स्टेडियम को लाइट प्रोवाइड करना है तो आप कौन से लैंप का यूज करोगे? स्पोर्ट्स स्टेडियम को लाइटनिंग प्रोवाइड करना है तो किस लैंप का यूज किया जाएगा? सोडियम वेपर लैंप, इनकैंडेसेंट लैंप तो नहीं होगा, फ्लोरोसेंट लैंप ये भी आपका आंसर नहीं होगा,
एलईडी लैंप, ये भी आपका आंसर नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे सोडियम वेपर लैंप। अगर यहाँ पे मरकरी वेपर लैंप होता तो हम उसको पहले टिक करते हैं, है ना। तो यहाँ पे मरकरी वेपर लैंप तो है नहीं, तो हम किसका टिक कर देंगे यहाँ पे, सोडियम वेपर लैंप का। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। द कैंडल पावर ऑफ ए लैंप प्लेस्ड नॉर्मली टू अ वर्किंग प्लेन और इज 60 CP। मतलब आपका जो कैंडल पावर दिया गया है लैंप का वो कितना देगा, 60 CP। फाइंड द डिस्टेंस इफ द इल्यूमिनेशन इज 15 लक्स। मतलब आपको इल्यूमिनेशन दिया, तो फॉर्मूला आपको पता है इक्वल टू कितना होता है, सीपी बाय हाइट का स्क्वायर। कितना आपका इल्यूमिनेशन 15, सीपी कितना है आपका 60, और एच स्क्वायर आपको निकालना है, मतलब हाइट आपको निकालना। तो हाइट कितना हो जाएगा, 60/15 = 5, 60/15 = 4, तो एच इक्वल टू हो जाएगा कितना, 2 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। वेरी गुड प्रिंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंप इज यूज्ड एज साइन और इंडिकेटर लैंप। ये तो बहुत सिंपल क्वेश्चन हो गया यार, इससे सिंपल क्वेश्चन कोई हो ही नहीं सकता। जब कभी भी इंडिकेटर लैंप की बात हो, है ना, तो आपको याद रखना है कौन सा लैंप, नियॉन लैंप। क्योंकि इंडिकेटर लैंप का जो कलर होता है कहीं ना कहीं वो रेड पिंक के आसपास होता है, और जो नियॉन लैंप है उसके उस लैंप में वो जो कलर लाइट की मिलती है वो नेचुरली क्या मिलती है हमको, ऑरेंज पिंक की मिलती है, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नियॉन लैंप, ठीक है। नियॉन लैंप का हम लोग यूज करते हैं इंडिकेटर लैंप में। पावर फैक्टर ऑफ फ्लोरोसेंट लैंप इज अबाउट, जो आपके फ्लोरोसेंट लैंप होते हैं मतलब जो ट्यूब लाइट होते हैं उनका पावर फैक्टर अराउंड कितना हो सकता है। तो मैंने पहले ही बताया था कि इसका पावर फैक्टर कभी भी 0 तो होगा नहीं, कभी यूनिटी तो होगा नहीं। यूनिटी सिर्फ किसका होता है आपका, यूनिटी पावर फैक्टर किसका होता है, ओनली आपका इनकैंडेसेंट लैंप का। तो यह तो फ्लोरोसेंट लैंप है, ट्यूब लाइट है, इसमें आपका चोक लगा हुआ है मतलब इंडक्टर लगा हुआ है, जिसकी वजह से इसका जो पावर फैक्टर हो जाएगा कितना हो जाएगा, 0.5 लैग हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 0.5 लैग, डी विल बी योर करेक्ट आंसर। आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द स्पेस टू हाइट रेशियो इन इल्यूमिनेशन लाइज बिटवीन। मतलब हम लोग क्या करते हैं, मान लो कभी कभी हमको किसी बड़ी सरफेस को इल्यूमिनेट करना है तो हमको वहां पे नंबर ऑफ लैंप लगाने पड़ते हैं। उस केस में हम क्या करते हैं, स्पेस टू हाइट रेशियो देखते हैं, मतलब दो लैंप के बीच का जो स्पेस है हम उसका वर्किंग जो प्लेन है उससे हाइट का कितना रखेंगे। मान लो इसका एग्जांपल है, समझ जाओ कि मान लो ये आपका प्लेन है, ये आपका प्लेन है, ठीक है ना, और आपका यहाँ पे आपका ये वर्किंग सरफेस है, मतलब आपका यहाँ पे दीवार है, वॉल है, और वॉल में यहाँ पे बल्ब लगाया हुआ, लैंप लगाया हुआ है। मान लो यहाँ पे आपका कितनी हाइट है, मान ले तो एग्जाम्पल के तौर पे ये हाफ की हाइट है 5 मीटर, तो आप जो दूसरा लैंप लगाओगे ना वो आपको 10 मीटर के पहले पहले लगाना है ना। मतलब ऐसा लगाना है कि आपका यहाँ पे 10 मीटर में लैंप आपका आ जाए, 10 मीटर पे दूसरा लैंप। इसका यूज कहाँ पे होता है, मतलब किसी इंडस्ट्री में हो गया, रेलवे स्टेशन पे हो गया, है ना, 10 मीटर की हाइट पे आपको दूसरा लैंप लगाना होगा। मतलब आपका जो स्पेस टू हाइट रेशियो कहीं ना कहीं 1 से 2 के बीच में आता है। मतलब आप 5 मीटर पे भी लगा सकते हो, 6 मीटर पे भी लगा सकते हो, लेकिन 10 मीटर के पहले पहले आपको तो लगाना ही है, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी। तो स्पेस टू हाइट रेशियो इन इल्यूमिनेशन लाइज बिटवीन 1 to 2, ठीक है। तो ये हो गई बात आपकी, तो अपन आज के सत्र को यहीं पे कंप्लीट करते हैं, ठीक है। आप लोग को करना क्या है, हमारे प्रीवियस लेक्चर पे जाना है और थोड़ा सा कमेंट वगैरह करो यार, है ना। खाली खाली वीडियो देख के थोड़ा अच्छा ही लगता, उसको साथ शेयर करो, दोस्तों से पहुंचाओ अपने, है ना। इतनी अच्छी अपन सीरीज चला रहे हैं, डेली 25 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं विदाउट एनी बकवास, है ना, पिन पॉइंट पढ़ रहे हैं, 25 क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन हैं आप ये मान के चलिए कि कल की क्लास में 25 क्वेश्चन सॉल्व किए, आज के क्लास में भी हमने कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए, है ना। तो उससे आपका यहाँ पे अच्छा खासा कवरेज हो जाएगा। सर सीरीज के रिगार्डिंग कोई अपडेट हमारे लिए, अपडेट आपकी ये है कि आज से आप लोग का मशीन सब्जेक्ट स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। आज से आप लोगों का मशीन सब्जेक्ट स्टार्ट होगा, टाइमिंग है आपका 8 PM, 8:08 PM पे आज से आप लोगों का मशीन सब्जेक्ट स्टार्ट होगा जो कि मैं डील करूंगा, ठीक है। तो चलो इतना हो गया, कुछ भी डाउट है तो आप लोग कमेंट करिए, आप पास मेरा नंबर है तो आप वहां पे भी डायरेक्टली पूछ सकते हैं, टेलीग्राम चैनल तो आप टेलीग्राम टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो मैं सत्र को यहीं पे कंप्लीट करता हूं।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, बाय बाय, टेक केयर, गुड डे, ऑल द बेस्ट।